नमस्कार, आप सभी का वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों से बच्चों बात करने वाला हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को जानने से पहले समझिए कि एक्चुअली काम कैसे करता है, ये होता क्या है। तो बच्चों इसको आसान तरीके से अगर समझा जाए, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली होता क्या है, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, जब भी कोई मॉलिक्यूल आप देखते हैं तो उसके अंदर जितने भी एटम होते हैं, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट ओवरऑल अगर उस मॉलिक्यूल को देखो तो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं है ना, जो उसके अंदर जितने भी एटम्स जुड़े हैं वो तो न्यूट्रल नहीं है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, वो हो सकता है, दैट इज एक्सेप्टेड, बट जितने भी एटम्स के अंदर जुड़े हुए बेटा, कहीं ना कहीं उनके जो चार्जेस हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, न्यूट्रल हो रहे हैं। यानी कि जो भी एटम जुड़े पड़े हैं उन पे किसी पे प्लस है, किसी पे माइनस है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका माइनस चार्ज होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस चार्ज होता है। और बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाए तो किसी एटम के ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है बच्चों, हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या है, इट इज द रेसिड्यूअल चार्ज विच अपीयर्स ऑन द एटम व्हेन ऑल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन इन सच अ वे दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर गो विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बेटा ये डेफिनेशन आप लिख लें, समझ लें, क्योंकि मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओवरऑल कहानी ये है कि जिस बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वही इस टॉपिक को कर सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानने के लिए बच्चों आसान तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल में देखो, लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर, दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकर, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन सीकर कहां है, राइटिस्ट साइड में, जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सारी चीजें क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन सीकर है। तो जरा एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों यहां पे समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, H2O2। ठीक है, इसको जरा बना के देखते हैं बच्चों, HOO और H। ऑब्वियस सी बात है यहां पर ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, लेकिन समझना क्या, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये वाला मान लो हमारे पास ये ऑक्सीजन का यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां और इलेक्ट्रॉन यहां है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये रहा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो हमें समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक ही खींचेगा ना, उस एक खींचने की वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, -1। ठीक है, और इधर भी देखोगे बेटा तो आपका इधर भी -1 आएगा। अच्छा, इसके ठीक काउंटर में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, +1, और यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा, +1। जरा आप ध्यान से देखें, और लेकिन इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचा, क्यों, क्योंकि सेम एटम है, सेम एटम होने की वजह से बच्चों क्या हो रहा है यहां पर, कि ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को इधर वाले इलेक्ट्रॉन को ना ये खींच पा रहा ना ये खींच पा रहा है, इस वजह जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है बेटा वो ऑक्सीजन पे यहां पे -1 आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम यहां पर ऑक्सीडेशन निकालने के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3C(OO) और ये हो गया H। जरा यहां पर दिमाग लगाएं, यहां पर कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो इस मॉलिक्यूल को बेटा ओपन कर लो, देखो यहां पर चार्ज बेटा कार्बन में कितना आएगा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बताओ, हाइड्रोजन की ज्यादा है कि कार्बन की, कार्बन की ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ से, ध्यान से देखना बच्चों, यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहां से भी जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका हाइड्रोजन का वो कौन खींचने वाला है, दिमाग लगाओ कौन खींचने वाला है, ऑब्वियस है कार्बन, तो कार्बन यहां पर, अच्छा इस कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन ये नहीं खींच पाएगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन सेम है, तो तीन जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, तो यहां पर कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, -3। अब यहां पर देखो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा बेटा, अच्छा हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहां पर ये क्या करेगा बेटा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, दो, ये लेके जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि दो कार्बन तो ये चला गया, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन ये चला गया ऑक्सीजन के पास, यानी कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, +2, बट एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इसने खींचा, यानी कि -1, ओवरऑल क्या आ जाएगा बेटा यहां पर, +1, तो यहां पर जो कार्बन है बेटा उस पर क्या चार्ज आएगा, +1 आएगा।
तो बेटा ये इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव जिसको आता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसके बारे में जिसको जानकारी है वो बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है बेटा, आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं एक ही बार में सारे के सारे फंडे इसमें क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। जरा ध्यान से सुने, इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो पहला जो रूल है बेटा, ठीक है, नेटिव एलिमेंट, जितने भी नेटिव एलिमेंट होते हैं, नेटिव एलिमेंट ऑलवेज हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बेटा? जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जितने भी एलिमेंट नेटिव स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, अनकंबाइंड स्टेट में है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है हमेशा क्या होता है बेटा? जीरो होता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम है मान लो जीरो है, आयोडीन जीरो है, O2 जीरो है, तो भैया ये सब बेटा नेटिव स्टेट है, अनकंबाइंड स्टेट है। ठीक है, अब आते हैं बेटा दूसरा रूल हम पढ़ेंगे यहां पे। दूसरा रूल ये कहता है बच्चों कि जितने भी मोनो एटॉमिक आयन होते हैं, मोनो एटॉमिक आयन दे हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, दैट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। मतलब ये हो गया कि अगर मैं तुमसे कहूं Na प्लस है बच्चों तो इसका क्या आ जाएगा? प्लस वन। अगर मैं तुमसे कहूं Mg2 प्लस है बच्चों तो इसका आ जाएगा प्लस टू, ऐसा करके। तो जो चार्ज होता है जिस मोनो एटम, मोनो एटम मतलब बेटा एक अकेला, मोनो अकेला एटम, एटॉमिक मोनो एटम आयन, यानी एक सिंगल आयन है तो उसका जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलो यहां तक हम लोगों ने कर लिया, फटाफट देखते बेटा हम लोग तीसरा रूल। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव प्लस वन एंड प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, याद रखना बेटा, अल्कली कौन से मेटल होते हैं बेटा? जो तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप होता है S1, S2 हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। जरा ध्यान से देख लो बेटा, S1 में क्या आता है जरा ध्यान से देखना, इसमें आपका जाता है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये आपका किसमें आ जाता है बेटा? वन में आ जाता है। फिर आपका S2 आ जाता है, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, याद रखना भाई, रट्टा मार लेना इसको। ठीक है, ये आ जाता है बेटा आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा ये वाले, ये इनको आप रट्टा मार लेंगे। ठीक है, ये सारे सारे एलिमेंट जितने आप देख रहे हो यहां पर, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होता है? प्लस टू होता है। ठीक है, और ये वाले एलिमेंट कहीं भी दुनिया में पाए जाएंगे हमेशा हमेशा क्या होगा उनका? प्लस वन होगा। तो बेटा याद रखना बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल प्लस टू हमेशा होगा, और आपका अल्कली होगा तो प्लस वन हमेशा हमेशा होगा। ठीक है, तो ये तीन रूल आपके एकदम कंफर्मली एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, इसमें कोई डाउट की बात होनी ही नहीं चाहिए, राइट। चलिए फटाफट फोर्थ पॉइंट देखते हैं बेटा। फोर्थ जो हमारा रूल है वो क्या बोलता है? फोर्थ रूल बोलता है एल्यूमिनियम, जो कि एक मेटल आप सभी लोग जानते हैं, एंड फ्लोरीन हैव प्लस थ्री एंड माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली। एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन हैव प्लस थ्री एंड माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली ऑलवेज। मतलब ये हो गया कि एल्यूमिनियम हमेशा क्या होगा बेटा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज हमेशा प्लस थ्री होगा चाहे कहीं भी रहे। फ्लोरीन हमेशा क्या होगा बेटा? माइनस वन चाहे कहीं भी रहे। याद रखना बेटा, इस पे जो चार्ज होता है वो हमेशा यही रहेगा और कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, आइए अब आते हैं फिफ्थ रूल पे, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसका दो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जब ये मेटल के साथ जुड़ता है बच्चों, किसके साथ?
मेटल के साथ, तो इसमें क्या आ जाता है बेटा माइनस वन चार्ज। और जब ये गुरु नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो बच्चों ये बना देगा माइनस वन। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, ज्यादा इसमें दिमाग सॉरी माइनस वन कर रहा बेटा प्लस वन। ठीक है, तो नॉन मेटल के साथ बेटा हमेशा हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज होता है और मेटल के साथ हमेशा माइनस वन होता है। इसको दिमाग में, आत्मा में, किडनी में, लीवर में, हर जगह बिठा लीजिए, बस इंडाइजेशन खराब ना हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, दैट इज सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल हमारा क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, पहली बात बेटा ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, वो थोड़ा सा वेरी करता है। क्या करता है, वेरी करता है। और वेरी कैसे करता है, जरा हम उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बेटा कई सारी चीजें बनाता है, जैसे कि ऑक्साइड, जैसे कि परऑक्साइड, जब इसके पर निकल आते हैं, जैसे कि सुपर ऑक्साइड, ओ भाई साहब सुपरमैन वाली बात आ गई है तो नहीं, और आपका डाइफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड और मोनोफ्लोराइड, मोनोफ्लोराइड। ठीक है बेटा, ऑक्साइड में हमेशा चार्ज क्या होता है माइनस टू, पर ऑक्साइड में माइनस वन, सुपर ऑक्साइड में माइनस हाफ। डाइफ्लोराइड में बेटा ये हो जाता है आपका ओ एफ टू, और मोनोफ्लोराइड में हो जाता है ओ टू एफ टू, यानी कि एक बार इसको मैं फिर से समझाता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना, डाइफ्लोराइड में प्लस टू हो जाता है, मोनोफ्लोराइड में प्लस वन हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से इसको रट्टा मार लेंगे और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद ही इसको हम खत्म करेंगे। देखो बेटा ऑक्साइड क्या होता है जनरली माइनस टू, ये हमेशा 99% ये आपको मिलेगा, एक्सेप्शनल केस में क्या क्या मिल सकता है, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड मिल सकता है। ठीक है, पर ऑक्साइड क्या होता है बेसिकली बच्चों, इसको अगर मैं समझाऊं आसान भाषा में, तो पर ऑक्साइड होता है जहां पर इसमें आपको ऐसा लिंकेज कहीं भी दिख जाए तो दिस इज कॉल्ड पर। ऑक्सीजन का क्या निकाला है बच्चों, समझ रहे हो ना, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पर ऑक्साइड होता है ये, अभी माइनस वन है। ठीक है, अभी माइनस पर ऑक्साइड कौन कौन बनाता है, एक आपको ट्रिक बताता हूं। ठीक है, Na2O2 में H2O2, BeO2 और BaO2, यही चार लोग बनाते हैं। ठीक है बेटा, रट्टा मारने के लिए आपको तरीका बताता हूं, नेहा नेहा बिपाशा बसु, ऐसे आप रट लो। ठीक है, Na2O2 नेहा, H2O2 है नेहा, H आ गया उसी में आ गया, बिपाशा BeO2 और BaO2 क्या होता है बेटा बसु। तो जरा यहां पर देखना, इसको मैं और अच्छे से बना सकता हूं बच्चों, ये और आसानी से किया जा सकता है। अब जैसे BeO2 है तो BeO2, ये देखो बच्चों कैसे हमने बना दिया, ये है BeO2 का जो है क्या स्ट्रक्चर, ऐसी Ba परऑक्साइड लिंकेज देखो बेटा, ऐसे आप बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुपर ऑक्साइड कौन बनाते हैं बेटा, तीन लोग बनाते हैं दुनिया में, तीन लोग बनाते हैं, बस रट्टा मार लो, बाद का टेंशन ही खत्म करो। ठीक है, तीन लोग कौन है वो जरा चेक करो, तीन लोग हैं, एक तो बेटा आपका है KO2, और फिर आपका आ जाता है KO2 के अलावा की रब से फरियाद RbO2 HCSO2, यानी कि ये आपके तीन आ गए। ठीक है, डाई सल्फाइड में आपका आ जाता है डाई फ्लोराइड में आपका आ जाता है OF2 एग्जांपल, और यहां पर आ जाता है O2F2। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये आप रट्टा मार लो, और ज्यादातर बेटा इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आपका जो है 99% क्वेश्चन यही से हो जाता है माइनस टू से। अगर कहीं पे परऑक्साइड लिंकेज आता भी है मान लो एक बार को, तो आपको मैंने एक चीज बता रखा है, तो आप इसको यहां से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंड द लास्ट वन दैट इज आई थिंक सेवंथ रूल हो जाएगा बेटा, है ना, सेवंथ रूल हो जाएगा हमारा ये द लास्ट, है ना। चार्ज या यूं कह लो एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल इन
मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट एट मॉलिक्यूल। बोलो यहां तक समझ में आता है? सो दैट्स इट। तो ये थी बेटा कहानी आपका ऑक्सीडेशन नंबर की, लेकिन निकालना कैसे है वो रूल आपको अभी के अभी क्लियर हो जाएगा कैसे। थोड़े से एक दो क्वेश्चन जहां आपको मैंने बताए बेटा, सारे के सारे आपके भ्रम दूर होने वाले हैं अभी के अभी। कैसे होने वाला जरा चेक करके देखें। यहां पे मान के चलिए मैंने आपसे बोला कि भाई KMnO4 ठीक है, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कैसे करोगे सोचो जरा बेटा। K का मैंने आपको पहले बता रखा है कि भाई K में क्या होता है, आपको K का बेटा ये एक एल्कली मेटल है जिसका चार्ज क्या है जल्दी बताओ, +1। एक ही K है तो +1। फिर Mn का निकालना है बेटा, Mn आप ऐसे लिख लीजिए, फिर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन कितने है 4। फिर यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है जनरल ऑक्साइड में -2 इक्वल टू ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज बताओ बच्चों कितना है 0। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन आ जाएगा यहां पे तकरीबन आ जाएगा ये +6। तो बेटा इस तरीके से जो चार्ज आ रहा है मैग्नीज पे वही क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहां पे HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है इसका मतलब +1 क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, और ऑक्सीजन की जहां तक बात है 3-2 इक्वल टू मॉलिक्यूल पे जो भी चार्ज होगा बेटा वो कहां जाएगा इक्वल के उस तरफ। बताओ HNO3 पे कोई चार्ज है? नहीं है, यानी कि इक्वल के बाद क्या जाएगा वहां पर 0 जाएगा। अब यहां पर बच्चों ओवरऑल अगर मैं कहूं तो यहां पर क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों तो बताओ, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो डन यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज क्लियर। चलिए अब यहां पर एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, जैसे कि Fe2O3 Cr2O7 -2 MnO4 -2। तो जल्दी से बेटा इसको समझते हैं, ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम करते हैं पैकअप और नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे बैलेंसिंग, है ना। चलो फटाफट कर लेते हैं इसे। Fe2O3 बच्चों ऑब्वियस सी बात है क्या आने वाला है बताओ जल्दी से, 2Fe+3-2 = 0। यानी Fe पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। ओ भाई साहब, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा आयरन पे बेटा यहां पे +3 आएगा। फिर आपका जाता है Cr2O7 -2। ओ भाई 2Cr लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्रोमियम का निकालना है, 7-2 = बताओ बेटा मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है क्या, -2 है क्या, इक्वल के बाद लिख दो -2। फाइनली क्या आ जाएगा 12/2 यानी कि +6। समझ में आया बेटा यहां पर क्रोमियम का क्या चार्ज आएगा +6 यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हियर +6, है ना। फिर आते हैं MnO4 पे, MnO4 -2। तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा Mn +4-2 = -2। ओवरऑल अगर Mn पे मैं चार्ज निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं और आज हम लोग यहीं तक करते हैं। और उम्मीद करता हूं बच्चों आपका ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया होगा और जो मैंने आपको रूल बताए बेटा एक बार जरूर उसे पढ़ें और समझें। अगर आपको डाउट लगता है तो आप पूछिए, आप कमेंट करें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।